सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बरसात का मौसम आते ही आसमान से आफत की बारिश हो रही है। आपको बताते चले कि नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मजीदपुर गांव में घटी, जहां मवेशी चरा रहे अर्जुन यादव के 17 वर्षीय पुत्र की मौत वज्रपात से हो गई। वहीं दूसरी घटना नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत वटबिघा गांव में घटी, जहां घर के छत से मक्का उतार रहे एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भटबिघा गांव निवासी पप्पू चौधरी के 22 वर्षीय पुत्र झंटू कुमार के रूप में की गई है। जबकि तीसरी घटना नालंदा थाना क्षेत्र के कुलगांव की बताई जा रही है, जहां वर्षा होने के दौरान मवेशी चरा रहे एक बुजुर्ग झोपड़ी में छुप गए और इसी दौरान वज्रपात होने से उनकी मौत हो गई, साथ ही साथ मवेशी की भी मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुलगांव निवासी कंठू महतो के रूप में बताई जा रही है। आपको बताते चले कि बरसात होने के बाद लोग एहतियात नहीं बरतते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वज्रपात से मौत का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले कि बरसात शुरुआत होते ही मौसम विभाग के द्वारा वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज नालंदा में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी दौरान पुलिस सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।